यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को अब खुद को सिद्ध करने का अवसर आ गया है। आप कुछ सुखद संदेश देख रहे होंगे, कुछ सूचनाएं आपको मिल रही होंगी। उत्तर प्रदेश शासन हो या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो, दोनों ने अपनी सक्रियता दिखाई है। एक दिन पहले आपने उत्तर प्रदेश सरकार का बयान देखा था जिसमें कहा गया था कि दिसंबर तक वो सभी भर्ती प्रक्रियाएं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, जो रुकी हुई हैं, उनको पूर्ण किया जाए। आज 27 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया। नोटिस एग्जाम से संबंधित नहीं है बल्कि एग्जाम से एक स्टेप आगे का है, अर्थात शारीरिक परीक्षण का है। उसके संबंधित टेंडर मांगा गया है। मैं टेंडर भी खोलकर आपको दिखाऊंगा, हालांकि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के टेंडर आज के नोटिस में देख सकते हैं। उस टेंडर में शारीरिक दक्षता परीक्षण कराने वाली कंपनियों से उनके ईओआई मांगे गए हैं, अर्थात बुलाया गया है, उनको आमंत्रित किया गया है कि आप हमारे मानकों पर अगर खरे उतरते हैं तो हम आपको इस प्रक्रिया को रन कराने का अवसर देंगे। जिससे मैं कयास लगा सकता हूं या हम सभी कयास लगा सकते हैं कि जो परीक्षा का पैटर्न है, परीक्षा की चीजें हैं, उससे संबंधित टेंडर हो या उससे संबंधित जितनी भी तैयारियां हो, वो सभी लगभग लगभग या तो पूर्ण हो चुकी हैं या पूर्ण होने की स्थिति में हैं। इसके पहले भी जब मैंने वीडियो लिया था तो मैंने आपको बताया था कि अब यह प्रक्रिया टेंडर के बाद और टेंडर से पहले, मतलब टेंडर जब दिया जाता है, टेंडर को जब अप्रूव किया जाता है, उसके बाद नोटिफिकेशन तक आने में जो वक्त लगता है, लगभग लगभग उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। अक्टूबर माह आने वाला है, अक्टूबर के इन तक नवंबर के अराउंड आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधित अगर टेंडर आया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आज ही 27 तारीख को यह टेंडर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख रहा है। सभी जरूरी जानकारियां दी गई हैं, जो आपको लगभग लगभग उसी तरह का पैटर्न दिखता है। जो मेन चीज है वो देखने की ये है कि समस्त भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षण, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, जेल वार्डर हो, कोई भी परीक्षा की बात कर रहा है, उससे संबंधित रुचि की अभिव्यक्ति ईओआई मांगा है और उन्होंने एक डेट दिया है। उपर्युक्त ईओआई भेजे जाने हेतु विस्तृत निर्देश एवं शर्तें जो विभाग अप्लाई करता है, विभाग अपने मानकों में लिखता है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इसको प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो कार्यदायी कंपनी से संस्थाएं हैं 16/10/2023 अर्थात 16 अक्टूबर 2023 तक ईमेल द्वारा बोर्ड को ईमेल आईडी पर, जो इनकी ईमेल आईडी है, उस पर जो है ईओआई भेजें। साथ में ईओआई की हार्ड कॉपी अपर सचिव भर्ती पुलिस भर्ती एवं उन्नति बोर्ड तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स सभा मार्ग जो लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। मतलब उन्होंने टेंडर मांगा है और एग्जाम जो रिटर्न या ऑब्जेक्टिव होता है उसके एक स्टेप आगे का, अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षण का। मैं श्योर हूं इस बात को लेकर के कि लगभग लगभग एग्जाम से संबंधित कार्यवाही विभाग पूर्ण करने की स्थिति में है। नोटिफिकेशन आपको, जैसा कि मैंने आपको समय बताया, देखने को मिलेगा। कांस्टेबल का भी मिलेगा, एसआई का भी मिलेगा। तो अब आपको तैयारी करने में कोई कोर कतर या कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अभी भी आप सक्रिय हैं, मैं अलग अलग बैचेस में देख रहा हूं, चाहे ऑनलाइन की बैचेस हो चाहे ऑफलाइन की बैचेस हो, सभी अभ्यर्थी लगभग लगभग अब उस होड़ में लग चुके हैं कि हमें इस सिलेक्शन, मतलब इस विभाग में सिलेक्शन लेना है। अपने कंधों पर वर्दी, अपने कंधों पर सितारे, बदन पर वर्दी सजानी है। यह एक सच में सपना है और इस सपने को पूर्ण करने के लिए आप तो जितने सक्रिय हैं वो तो है ही है, हमने भी अपने प्रयास को प्रारंभ किया है। आपने दो दिन पहले देखा होगा एक वीडियो हम लोगों ने दिया एकलव्य बैच से संबंधित। एकलव्य बैच हमारे लिए एक ट्रेडमार्क बैच है, एक ऐसा बैच है जिससे कि हमें बड़ा सुकून मिला है। यह हम लोगों ने पिछली वैकेंसी को टारगेट करते हुए इस बैच को प्रारंभ किया था। बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए संपर्क में है और संपर्क वो लोग खुद कर रहे हैं, आज वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। कुछ बच्चों के इंटरव्यूज भी आप देख रहे हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं इस समय यूपीएसआई में सिलेक्ट होकर के। तो निश्चित तौर पर एज ए टीचर, एज ए सिस्टम, हमें गर्व होता है उन सभी छात्रों पर जो कि उस बैच से संबंधित थे और आज सिलेक्टेड हैं। तो हम उनको सबसे पहले तो बधाई देते हैं और उसी एकलव्य को फिर फोकस करके, क्योंकि उसी नाम के अनुरूप अगर हम जाएं, उस पैटर्न पर जाएं, थोड़ा सा अपडेट कर, अपग्रेड कर, सिस्टम में बदलाव लाकर, मेहनत ज्यादा कर, कंपटीशंस को देखते हुए, नए पैटर्न नए ट्रेंड को समझते हुए, हम इस एकलव्य बैच से ही फिर से एक सिलेक्शन फोकस्ड प्रिपरेशन आपके लिए प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी कक्षाएं भी प्रारंभ हो रही है। कक्षाओं के लिए डेट दिया हमने 4th अक्टूबर से, अर्थात हम 4 अक्टूबर से बैचेस में सभी अध्यापक जिन्होंने उस बैच में भी आपको पढ़ाया था, लगभग लगभग उसी दिशा निर्देशन में उन्हीं अपग्रेडेड कंटेंट के साथ हम आपको पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। मैं आप सभी को, जो भी इच्छुक हैं, जो भी मेहनती हैं, जो करना चाहते हैं, जिनके अंदर इच्छा शक्ति है, सबके लिए नहीं, इस बैच से बिल्कुल जुड़े। इस बैच से जुड़ने पर आपको रियलाइज होगा, एहसास होगा और हम आपको कमिट भी करेंगे प्रिपरेशन अच्छी कराने की, सिलेक्शन की सही दिशा में ले जाने की। एज ए सिस्टम, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, आपके अभिभावक की तरह हम इस बैच में आपको जुड़ने के लिए आह्वान करते हैं कि आप सभी जुड़िए। इस बैच की सभी जानकारियां जो संबंधित हैं, जरूरी हैं कक्षाओं को लेकर के,
सारी फीचर्स को लेकर के मैं आपको दो मिनट के अंदर सब स्पष्ट कर देता हूं, जुड़ने के प्रोसेस को भी समझा देता हूं। मैं बात कर रहा हूं इस एकलव्य बैच की, आप ध्यान से देखिएगा, ये टीम टारगेट आन टारगेट था लोग, वही टीम, मैं आपको टीम से भी रूबरू कराता हूं, परिचित कराता हूं। 2023 के लिए हमने एकलव्य बैच फिर से प्लान किया है, कक्षाओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। टीम से सबसे पहले परिचित होइए, वह देखिए आपको वही चेहरे दिख रहे होंगे, वही अनुभवी चेहरे, चाहे वो रवि सर का मार्गदर्शन हो, मेरी मैथमेटिक्स हो, अमरेश सर की हिंदी हो, निरंजन सर की जियोग्राफी हो, यूपी स्पेशल हो, ज्योति मैम का संविधान हो, मोहित सर का करंट अफेयर्स स्टैटिक जी के यूपी स्पेशल हो, एन के सर की साइंस हो, बी के शुक्ला सर की मूल विधि हो, गौरव पांडे सर की हिस्ट्री हो, इकोनॉमी सुधांशु सर की हो, वही टीम, वही सिलेक्टेड टीम जो कि इन स्पेशियस इन फीचर्स बैचेस में आपको प्रिपरेशन करा रही है, वही टीम एक एक सदस्य आपको पढ़ाना प्रारंभ करेंगे 4 अक्टूबर से। 4 अक्टूबर की इस बैच में आप अभी से जुड़ना शुरू कर दीजिए। जुड़ने की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं, जुड़ने की प्रक्रिया तो चलिए ठीक है, इससे संबंधित जो बेसिक फीचर्स हैं, क्योंकि यह बैच ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड पर हम बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी ऑनलाइन मोड की बात कर रहे हैं। यह बैच पूरी तरह से लाइव है, अर्थात हम लाइव कक्षाओं में आपसे इंटरेक्ट करेंगे अपने कंटेंट के साथ प्रतिदिन, जो हमारा शेड्यूल होगा, 5 से अधिक कक्षाएं हम आपको 5 घंटे प्लस की कक्षाएं हम लाइव प्रोवाइड करेंगे। उन कक्षाओं में आपको कंटेंट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ सभी टीचर्स आपको एक दिशा निर्देशन देंगे, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के साथ साथ आपको तैयारी में मजबूती लाने के लिए, आपकी कमियों को दूर करने के लिए जरूरी संबंधित नोट्स, चाहे वो आपके सिलेक्टेड रिटन नोट्स हो, हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो टेस्ट मैटर्स हो, चाहे वो असाइनमेंट्स हो, चाहे वो डाउट सेशंस हो, जितनी भी आवश्यकता होती है क्लास की, सभी फीचर से संबंधित वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ परीक्षा प्रयोगी, टेस्ट सीरीज, मैराथन कक्षाएं, रिविजन्स, मॉक टेस्ट, ऐप पर हम आपको टेस्ट प्रॉपर प्रोवाइड करके आपके आकलन में भी आपकी मजबूती प्रोवाइड आपको करेंगे, और इस बैच में वो सभी फीचर्स आपको दिखेंगे जो सिलेक्शन की सही दिशा में आपको लेके जाएंगे। मैं इस बैच की विशेषता तो बता दिया, जुड़ने का जो प्रोसेस है दो है, यूपीपी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है या मतलब अभ्यर्थी हैं, वो इस नंबर पे एंट्री फॉर यूपीपी व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8303900683। आप अभी से इस नंबर पे एंट्री करके यूपीपी एंट्री फॉर यूपीपी आप लिखकर हमें संदेश दें। यूपीएसआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 7269055037 पर हमें एंट्री फॉर यूपीएसआई लिख करके संदेश दें, हम आपको बैचेस में जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि हमें बात करनी है, डिस्कशन करके हमें ज्वाइन करना है, तो आप इन नंबर्स पे सुबह के 10 बजे से आप पहले भी ट्राई कर सकते हैं, शाम के 7 से 8 बजे तक आप हमें हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके सभी जानकारियों को ले सकते हैं, बैच में जुड़ने की प्रक्रिया, पढ़ाने का तरीका, सभी वो अपडेट्स जो एज ए काउंसलिंग आप करना चाहते हैं वो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे जो कॉलर्स हैं, टेली रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आपसे बात करेंगे, आपकी जो कन्फ्यूजन्स है उसको दूर करेंगे और आपको सभी जानकारियां बैच से संबंधित बताई जाएंगी। इसके साथ साथ आप टारगेट आन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाइए, टारगेट आन का ऐप होगा उसको ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख रहे होंगे, स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप यूपीएसआई और यूपीपी की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया होगा, आप उसको अभी से ज्वाइन कर लीजिए और अभी से जितने भी महत्वपूर्ण संदेश है वो आपको मिलने शुरू हो जाएं। मुझे जहां तक लगता है कि सभी जानकारियां, सभी संदेश आपको स्पष्ट समझ में आ गए होंगे। कक्षाओं में आप जुड़ सकते हैं, इस एकलव्य बैच से जुड़ सकते हैं, कॉलिंग नंबर से लेकर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, ऐप से लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, एंट्री के माध्यम से आप हमसे संपर्क करके इस बैच से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं। पढ़ाते हुए आपने लगभग सभी अध्यापकों को देखा होगा, आपको उनकी गुणवत्ता पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए, उनकी मेहनत पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और आप भरोसा करके उस टीम से, जिस टीम ने अभी तक इतनी पुरजोर कोशिश करी है सिलेक्शन दिलाने में बच्चों को, चाहे वो किसी भी विंग के रहे हों, आगे भी आपके साथ काम करने जा रहे हैं, और इस स्पेसिफिक प्रीमियम बैच में हम आपका स्वागत करते हैं। आप सभी लोग प्लीज जुड़े और इस बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को सही सुनिश्चित करें। मेरी तरफ से आज इतना ही, कक्षाओं में हमारी मुलाकात होगी, 4 अक्टूबर से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। सभी अध्यापक जितना मैंने बोर्ड पे आपको दिखाया वो सभी आपको YouTube के माध्यम से भी मिलेंगे और साथ साथ आपके एप्लीकेशन टेलीग्राम पर आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो आइए, कक्षाओं में मुलाकात होती है, जुड़ने की प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, जिससे कि बिना किसी डिस्टर्बेंस से पहले ही दिन से आप कक्षाओं में प्रॉपरली
नोट्स बनाते हुए दिखे, पढ़ते हुए दिखे और हम आपको पढ़ाते हुए दिखे। मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, मुलाकात होती है कक्षाओं में। थैंक यू सो मच।